हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स। मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत। आज की वीडियो में जो लेकर आया हूं वो है यूके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि किस तरह इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और इसमें मैं सभी जानकारी आपको दूंगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। आपका सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, और अगर आप कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको थ्रू आउट प्रोसेस में असिस्ट करें वीज़ा प्रोसेस के लिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9643960456। ये व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और या फिर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपको अपना लेफ्ट साइड इंडिया चूज़ करना है और राइट साइड में आपको यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम चूज़ करना है। इसके बाद आपको टेक मी टू दी वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर अ वीज़ा, इसमें स्टार्ट नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सेकंड ऑप्शन अप्लाई का है, यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक कीजिए और government.uk पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और सबसे लास्ट में वीज़ा एंड इमिग्रेशन का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये सेकेंड ऑप्शन है विजिट दी UK, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दी UK एज अ स्टैंडर्ड विजिटर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जब आप इस पेज पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर स्क्रॉल डाउन करके आपको लैंग्वेज चूज़ करनी ही है, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं वो आप चूज़ कीजिए। यहाँ पर मैंने इंग्लिश को चूज़ कर लिया है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर इंडिया मेंशन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन वेयर आई विल प्रोवाइड माई बायोमेट्रिक, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको फिर स्क्रॉल डाउन करना है और फिर स्टार्ट नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है और अपना आईडी और पासवर्ड आपको बनाना होता है। फिर उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जब आप एक बार अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद पूछता है कि आपकी ये जो मेल आईडी है ये आपकी है या किसी दूसरे पर्सन की है, तो आपको यहाँ पर यू सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। डू यू हैव अनदर ईमेल एड्रेस, क्या आपके पास कोई दूसरा मेल एड्रेस है तो आप प्रोवाइड करा सकते हैं, अदरवाइज नो पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड कराना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। फिर इसमें पूछा गया है कि आप ये नंबर यूके के दौरान आप यूज़ करेंगे जब या फिर आप जब यूके से बाहर रहेंगे तब आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है ये आपका मोबाइल नंबर कौन सा है, होम टेलीफोन नंबर है या बिज़नेस टेलीफोन नंबर है या मोबाइल टेलीफोन नंबर है, जो भी नंबर है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए मोबाइल टेलीफोन नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बाद एक कॉलम था, वो उसमें पूछा जाता है कि आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो प्रोवाइड करा सकते हैं, वो कॉलम मिस हो गया यहाँ पर। अब उसके नेक्स्ट है यहाँ पर आई आर यू एबल टू बी कॉन्टेक्टेड बाई द टेलीफोन, तो आई कैन बी कॉन्टेक्टेड बाई टेलीफोन कॉल एंड टेक्स्ट मैसेज, ये सबसे पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका फर्स्ट नेम और फैमिली नेम, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका कोई एडिशनल कोई दूसरा नाम है, तो आप यस या नो कर सकते हैं, तो मैं अभी नो पर क्लिक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जेंडर पूछा जाता है, और उसके बाद पूछा जाता है मैरिटल स्टेटस, आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर से चूज़ करके आप सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अपना एड्रेस, सिटी, आपका स्टेट, कोड, कंट्री, ये सब आपको फिल करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका सेम है तो आप
आपको येस सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपसे पूछा जाता है आप इस एड्रेस पर कितने सालों से आप रह रहे हैं। तो आप कुछ महीनों से रह रहे हैं, कुछ दिनों से रह रहे हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ईयर सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 15 साल से डाल देता हूँ। उसके बाद पूछा जाता है व्हाट इज़ दी ओनरशिप स्टेटस ऑफ योर होम। तो ये आपका ये खुद का घर है या रेंट पे रह रहे हैं या कोई दूसरा ऑप्शन है, सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आई ऑन इट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद आपसे पासपोर्ट की डिटेल्स पूछी जाती है। आप यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डालेंगे, उसके बाद आपका इशूइंग अथॉरिटी, कहाँ से पासपोर्ट इशू हुआ है आपको वो मेंशन करना है। अगर आप यहाँ पर प्लेस ऑफ इशू आपके पासपोर्ट में होगा उसमें देखकर आप फिल कर दीजिए। उसके बाद इशू डेट मेंशन कीजिए और एक्सपायरी डेट यहाँ पर मेंशन करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपसे पूछा जाता है आपके पास कोई नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो करके आप फिल कर सकते हैं। है तो इसमें आप यस करके आधार कार्ड डिटेल आप प्रोवाइड करा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो पर सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंट्री ऑफ नेशनैलिटी आपको यहाँ पर चूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं इंडिया डाल देता हूँ। इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ में भी इंडिया आपको डालना है, अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो आपको इंडिया डालना है। प्लेस ऑफ बर्थ में हमने डालना है जो भी आपके पासपोर्ट पर मेंशन है प्लेस ऑफ बर्थ, आप उसको मेंशन कीजिए। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करके सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है डू यू करेंटली होल्ड और हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी और सिटीजनशिप। क्या आपके पास कोई दूसरी नागरिकता या दूसरे देश की सिटीजनशिप है, तो आपको यस या नो पर सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं नो पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नेक्स्ट पेज में आपसे पूछा जाता है कि आप क्या वर्क करते हैं, उसकी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड पर क्लिक कीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड मेंशन पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर आपको टिक करना है। जो भी आपका प्रोफेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी के लिए मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपसे आपकी जॉब के बारे में पूछा जाता है कि आप क्या किस तरह की जॉब आप कर रहे हैं और हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम दिस जॉब इन अ ईयर, और इस जॉब से आप सालाना कितना अर्न कर पाते हैं वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है डू यू हैव एनी अनदर इनकम और एनी सेविंग्स। अगर आपकी कोई दूसरी इनकम या फिर सेविंग्स है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आई डू नॉट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग्स पर आप क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद पूछा जाता है हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड ऑन योर विजिट टू द यूके। तो आप कितना अमाउंट स्पेंड करने का सोच रहे हैं जब आप यूके ट्रैवल करेंगे, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और जो भी राशि है आप यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में आप मेंशन कर सकते हैं कि आप कितना स्पेंड करने का सोच रहे हैं जब आप यूके जाएंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ। तो आपको यहाँ पर बताना है कि हर महीने आप कितना अमाउंट आप स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पर 25,000 पर मेंशन कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाता है पेइंग फॉर योर विजिट, विल एनीवन बी पेइंग टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट। यहाँ पर पूछा जाता है कि कोई आपका कोई दूसरा पर्सन आपकी ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है, वो आपका पे कर रहा है, तो आप यस कीजिए अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप किस डेट पर आप यूके ट्रैवल करेंगे और किस डेट पर आप यूके लीव कर देंगे, तो यहाँ पर डेट मंथ ईयर मेंशन करना है और सिमिलरली आपको यहाँ पर भी मेंशन करना है जब आप यूके लीव कर देंगे वो डेट मंथ ईयर यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि आप से अगर आपका इंटरव्यू होता है, आपसे वो एप्लीकेशन के बारे में पूछती है एम्बेसी, तो आप किस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? तो यहाँ पर इंग्लिश पर मैंने क्लिक कर दिया है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज है तो अदर करके उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर योर विजिट टू द यूके? तो आपका क्या पर्पज़ है वहाँ पर यूके ट्रैवल करने का? तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपका ट्रैवल के लिए आपको चूज़ करना है, वो आपको टूरिज्म सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर टूरिज्म सेलेक्ट करना है क्योंकि हम यहाँ पर ट्रैवल के लिए जा रहे हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करने के बाद, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडेज विजिट टू द यूके? नेक्स्ट दोबारा आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका रीज़न क्या है विजिट करने का, तो आपको टूरिस्ट सेलेक्ट करना है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद, गिव डिटेल्स द मेन पर्पस ऑफ योर विजिट, एनीथिंग एल्स यू प्लान टू डू ऑन योर ट्रिप, सी टूरिस्ट एंड शॉर्ट स्टेज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो इस कॉलम के अंदर आपको सारी डिटेल्स देनी है कि आप वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, क्या आपका प्लान्स है, वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया, यूज़ योर पार्टनर्स पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट इफ़ दे हैव वन टू कंप्लीट दिस सेक्शन। तो इस कॉलम में जो स्पाउस है उनकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है, उनका फर्स्ट नेम, उनका सरनेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ नेशनलिटी में इंडिया चूज़ करना है, और डू दे करंटली लिव विद यू, तो यहाँ की वो आपके साथ रह रहे हैं, तो यस सेलेक्ट कीजिए। फिर विल दे बी ट्रैवलिंग विद यू इन टू द यूके? तो मैं यहाँ पूछा गया है कि वो आपके साथ यूके ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको यस सेलेक्ट करना है। अगर वो ट्रैवल नहीं कर रहे तो नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर पूछा जाता है, क्या आपके ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंड करता है? तो आपको यस या नो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं यस सेलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पर पूछा जाता है, यू शुड यूज़ योर डिपेंडेंट्स पासपोर्ट इफ़ दे हैव वन टू कंप्लीट दिस सेक्शन। यहाँ पर जो लोग डिपेंडेंट हैं उनके यहाँ पर डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी है, उनका रिलेशनशिप आपको यहाँ पर मेंशन करना है, क्या रिलेशनशिप है, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम मेंशन कीजिए, उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए, और डज दिस पर्सन करंटली लिव विद यू, तो यस सेलेक्ट करना है, और इज़ दिस पर्सन ट्रैवलिंग विद यू टू द यूके, क्या वो दूसरा पर्सन आपके साथ जो डिपेंडेंट है वो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, तो आपको यस सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर वो नहीं ट्रैवल कर रहे तो नो पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पेज में आपसे पूछा जाता है, डू यू हैव एनी अदर पीपल हु नीड यू फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट? यहाँ पर पूछा जाता है, क्या आपके पास कोई दूसरे लोग भी हैं जो इनको आपका फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए? आपको यस या नो पर सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर नो पर सेलेक्ट कर देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, गिव डिटेल्स अबाउट टू ऑफ योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर मदर और फादर की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी है, तो यहाँ पर उनका नेम प्रोवाइड कराना है, फर्स्ट नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी वो मेंशन कीजिए, उसके बाद नेशनैलिटी मेंशन कीजिए, और हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनैलिटी, क्या उनके पास शुरू से ही सेम नेशनैलिटी रही है, तो आप यस या नो करके आप अपना जवाब दे सकते हैं, और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है, डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके? क्या आपकी कोई फैमिली है यूके में? तो आप यस या नो करके अपना जवाब दे सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद पूछा जाता है, विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या आपका कोई ग्रुप जा रहा है, स्पोर्ट्स का, वर्क का, या स्टडी ग्रुप जा रहा है? तो यस या नो सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद पूछा जाता है, विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके विद समवंस हु इज़ नॉट योर पार्टनर, स्पाउस और डिपेंडेंट? आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहे हैं जो आपका पार्टनर या वाइफ या फिर आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जा रहे हैं? तो आपको यस या नो सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर यस सेलेक्ट कर देता हूँ। और यस करने के बाद अगर ऐसा है तो आप उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करा दीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। यस सेलेक्ट करने के बाद उसी पर्सन का आपको फर्स्ट नेम, फैमिली नेम और कंट्री ऑफ नेशनलिटी, रिलेशन टू यू, ये सब प्रोवाइड करा के सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू हैव एन एड्रेस फॉर वेयर यू आर गोइंग टू स्टे इन द यूके, कि आपके पास एड्रेस है जहाँ पर आप स्टे करने जा रहे हैं यूके में, अगर है तो आप यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नो पर सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। लास्ट कॉलम में पूछा गया है कि आप यूके में कहाँ स्टे करने जा रहे हैं, उसकी डिटेल्स आप प्रोवाइड कीजिए, तो हम यहाँ पर एनी कोड होटल डाल देते हैं, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, हैव यू बीन टू द यूके इन द लास्ट 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप पिछले 10 सालों में कभी यूके ट्रैवल किया है, तो आपको नो सेलेक्ट करना है, अगर ट्रैवल किया तो यस सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद पूछा गया है कि आप इन कंट्री में पिछले 10 सालों में गए हैं और कितनी बार गए हैं, उसकी डिटेल्स पूछी गई है, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, इसमें पूछा गया है कि आप इसमें कितनी बार गए हैं, तो यहाँ पर मैं 0 सेलेक्ट कर रहा हूँ कि अभी तक ट्रैवल नहीं किया है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पेज पर पूछा गया है, हैव यू बीन टू एनी अदर कंट्रीज इन द पास्ट 10 ईयर्स, इसमें पूछा गया है कि आप इन देशों में लास्ट 10 सालों में गए हैं, तो यहाँ पर मैं नो सेलेक्ट कर देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपसे पूछा गया है, फॉर इधर द यूके और एनी अदर कंट्री हैव यू एवर बीन, आपसे पूछा गया है कि आपसे कभी, आप किसी भी कंट्री या यूके से कभी रिफ्यूज़ हुआ है आपका वीज़ा, या फिर आपको बॉर्डर एंट्री से आपको रिफ्यूज़ कर दिया गया है, तो ये सारी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको नो सेलेक्ट करना है, अगर ऐसा है तो आप यस कर सकते हैं, अगर आपका पहले कभी रिफ्यूज़ हुआ है वीज़ा तो यस सेलेक्ट करके उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं नो सेलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू एवर एंटर टू द यूके इलीगली, तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप यूके कभी इलीगल तरीके से आप एंटर हुए हैं या नहीं, उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ सकते हैं, अगर ऐसा है तो आप यस या नो में अपना जवाब दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट करना कर देता हूँ, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट पेज ओपन होता है, इसमें पूछा जाता है, एट एनी टाइम हैव यू एवर हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग इन द यूके और इन अनदर कंट्री, तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपके पास इनमें से कोई चीज़ें आपके साथ हुई है, कि आपके आपने कभी क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर किसी भी चीज़ में आप पाए गए हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नीचे वाला ऑप्शन है, नो आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दिस, सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यही पूछा गया है, आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे या नहीं है, तो नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये आई हैव रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉर क्राइम्स इंक्लूडिंग द गाइडेंस, आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, यस या नो के अकॉर्डिंग अपना जवाब दीजिए, तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है, बेसिकली आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं रहे, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो नहीं इन्वॉल्व रहे, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है ऑप्शन, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, फिर दोबारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप ये क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और यस या नो में क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको टिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और यस या नो में अपना जवाब देना है, तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया मैंने। ये इसमें से पूछा गया है कि आप इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें मैंने काम किया है, तो मैंने लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आप कोई अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं, मैंने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। तो ये आपका फाइनल पेज क्रिएट हो गया है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने सारी टैली कर ली है, उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद पूछा जाता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, These documents are mandatory and you must provide them part of your application. बोला गया है कि आपको ये सारे documents आपको ज़रूर provide कराने हैं, ये mandatory हैं, तो इसमें है the passport और travel document, तो ये passport पर आप टिक करना है। Other document you also send these documents to help support for your application. तो आप अदर कोई दूसरे documents आप provide करा सकते हैं जो कि funds हैं evidence का, तो आपको इस पर भी टिक करना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है।
फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, उसके बाद आई कंफर्म दैट आई अंडरस्टैंड द एक्सेप्ट ऑफ दिस कंडीशन। ये कंडीशन के बारे में पूछा गया कि ये टर्म्स एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट करते हैं, आप इसको टिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसके बाद पूछा गया है आपको ये सिलेक्ट करना है आई एम दी एप्लीकेंट एज 18 और अबव, इस पर सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी दूसरे के बिहाफ पर सबमिट कर रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है और उसके बाद आया एक्सेप्ट दी अबव पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए और कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पर आपसे कि आप कितने ड्यूरेशन का वीज़ा चाहते हैं, 6 मंथ, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, तो मैं 10 ईयर का करता हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा गया है ये चूज़ अ 10 ईयर वीज़ा, तो इसकी कॉस्ट वगैरह बताई हुई है। अभी जो 10 ईयर का वीज़ा है वो इतनी कॉस्टिंग है, लगभग 82,745 रुपीज़ ये टोटल फीस है। तो इसका जो डिसीजन है 15 दिन के अंदर, 15 वर्किंग डेज के अंदर आता है जब आप बायोमेट्रिक देख कर आ जाते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पेमेंट के बारे में पूछा गया है, बिफोर यू कंटिन्यू शुड ओनली मूव टू द नेक्स्ट पेज इफ़ यू हैव चेक्ड योर आंसर, तो ये सारी चीज़ें मैंने रीड कर चुका हूँ। इसके बाद कंटिन्यू टू वर्ड प्ले करने के बाद मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, तो अगर आपको चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा अपने डेबिट कार्ड से, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप चाहें तो आप अपने इस एप्लीकेशन को बाद में चेक कर सकते हैं। ईमेल पर आपको एक लिंक आएगा, उसको आपको क्लिक करके लॉगिन करना होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।